हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है भिन्न यानी बट्टा का भाग। हम लोग बट्टा का जोड़, बट्टा का घटाव, बट्टा का गुना पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बट्टा का भाग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट्टा का भाग बनाने के लिए आपको बट्टा का गुना समझना ज़रूरी है, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा उस वीडियो को देख लीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको समझ लीजिएगा तो बट्टा का भाग आप बहुत इजीली बना लीजिएगा। क्योंकि बट्टा का गुना और भाग सेम टू सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन है, 9/6, ठीक है, भाग 2/8। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक स्टेप चेंज करेंगे। पहले वाले जो भिन्न होता है उसको सेम टू सेम उतारते हैं, उसके बाद जो भाग होता है, भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कर दिया जाता है। भाग के साइन जो होता है उसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो ये गुना हो गया। और उसके बाद वाली संख्या को उलट देते हैं, हर चला जाता है ऊपर और अंश चला जाता है नीचे, समझ गए? पहली संख्या को सेम टू सेम लिखेंगे, उसके बाद जिस संख्या के पहले भाग होता है, जिस भिन्न के पहले भाग होता है, उस भाग के चिन्ह को गुणा करेंगे और संख्या को उलट देंगे। तो यहाँ भाग को हम लोग गुणा कर दिए, अब संख्या 2/8 है, तो इसको 8/2 लिखेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपको बट्टा का गुणा दिख रहा है। अब इसमें कुछ नहीं, जैसे बट्टा का गुणा बनाते सेम वैसे ही बना देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला बट्टा का गुणा और भागा सेम एक ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब क्या है, इसमें एक बड़ा सा बट्टा देंगे, ऊपर वाले को एक साथ लिखेंगे, नीचे वाले को एक साथ लिखेंगे। देखेंगे कुछ कटने वाला है तो है। 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 8, ये 2 से कटेगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। तो ऊपर क्या बच गया, 3 × 2, नीचे क्या बच गया, 1 × 1, यानी 3 × 6/1। इसका फाइनल आंसर आ गया 6। इसका फाइनल आंसर आ गया 6, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे 17/15 भाग 6। अब देखिए, 17/15 भिन्न को सेम टू सेम लिखेंगे, 17/15 लिख दिए, भाग का चिन्ह क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 6 का मतलब क्या है, पहले मैं बता चुका हूँ, 6 का मतलब 6/1 होता है, ठीक है। अगर कोई संख्या है, नीचे कुछ भी नहीं है हर में, उसका मतलब 1 है। तो अब इसको उलटेंगे, तो उल्टा करेंगे तो 1/6 हो गया। अब ये बट्टा का गुना हो गया। अब इसको सिंपली बना देंगे, 17 × 1/15 × 6। देखिए कट के, अगर कुछ कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो गुना कर देंगे। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कटने वाला, नीचे से नीचे नहीं काटेंगे, ऊपर नीचे ही काटेंगे। तो 17 × 1 = 17, अब 15 × 6 = 90, आंसर आ गया 17/90, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, 12/9 भाग 11/8 भाग 5/6, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, पहले भिन्न को सिंपली वैसे ही लिख देंगे 12/9, और उसके बाद मैंने बताया जिस भिन्न के पहले भाग हो, सिर्फ उसी को हम लोग चेंज करेंगे और उसी को उल्टा करेंगे। जिस संख्या के पहले हो, ध्यान रखिएगा 11/8 के पहले है, तो इसको भाग को क्या करेंगे, गुना करेंगे और इसको उलट देंगे 8/11। इसके पहले भी है, ठीक है, इसको भी गुना लिखेंगे और इसको भी उलट देंगे। जितने संख्या के पहले भाग होगा और वो बट्टा में होगा, उसको हम लोग उलट देंगे। अब ये बट्टा का गुना हो गया, अब इसको बनाएंगे हम लोग। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ऊपर वाले को एक साथ लिख लेंगे और नीचे वाले को एक साथ लिख लेंगे। इसमें देखिए कुछ कटने वाला है तो दिख रहा तो है, चलिए काटते हैं। 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 से कटेंगे, 3 × 3 = 12। अब हमें कुछ कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, तो
हम लोग लिखेंगे। ऊपर क्या हो गया 4, 8, 2, नीचे क्या हो गया 1, 11, 5। अब इसको गुना कर देंगे, 8 चौका 32, 32 दूना 64, ठीक है। नीचे हुआ 11 पच्चे 55, है ना। अब यहाँ तक आंसर हो गया, लेकिन एक स्टेप और बढ़ेगा। देखिए कि ये क्या, नीचे 55 छोटी है, अंत से छोटा है, तो अंत से छोटा है तो इसको पूर्णांक में लिख देंगे। तो पूर्णांक में लिखने के लिए क्या करेंगे, 64 में 55 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो आएगा 1 पूर्णांक और 9/55 आंसर। 55 एकम 55, इसको समझ लेंगे, 55 एकम 55 और 9 कितना हुआ 64। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर आ गया 1 पूर्णांक 9/55, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पूर्णांक में देखेंगे कि पूर्णांक में अगर कोई भिन्न हो तो उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 पूर्णांक 2/8 भागा 9 पूर्णांक 7/5। अब पूर्णांक को क्या करेंगे, पहले सिंपली भिन्न में लिख लेंगे। तो 8 3 का 24 2 26/8 भागा 9 5 45 7 52, 52/5 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 26/8 पहले वाले को, और दूसरे वाले के सामने देखिए भागा है, तो भागा को क्या कर लेंगे हम लोग, गुना में चेंज कर लेंगे और संख्या को उलट देंगे, तो 5/52 हो गया। अब ऊपर वाले को एक साथ लिख देंगे, नीचे वाले को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। इसमें कुछ कटने वाला है, 26 एकम 26 दूना 52, अब नहीं कुछ कटेगा, तो नहीं कटेगा तो नहीं कटे, जो बच गया उसको गुना करेंगे हम लोग। ऊपर क्या हुआ, 1 गुना 5/8 गुना 2, 5 एकम 5 8 दूना 16। ये पूर्णांक में नहीं जाएगा क्योंकि हर बड़ी है, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 5/16। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको बट्टा का भाग भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। बट्टा का जोड़, बट्टा का घटाव, बट्टा का गुना, बट्टा का भागा, ये चारों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और भिन्न क्या होता है वो तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इन सारे वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ, उससे जुड़ के आप लोग डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।